सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप कुछ इस तरीके का 26 जनवरी स्पीकल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो अगर गाइस आप भी इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो कर देना एक लाइक, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा डाले गए इसी तरीके का नया नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद गाइस आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे जाना, और यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको अपनी बैकग्राउंड की लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ा लेनी है। तो गाइस आप जितना बड़ा वीडियो बनाना चाहें उतना बड़ा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की लेंथ कर लेनी है। बैकग्राउंड की लेंथ बढ़ाने के बाद गाइस आपको सिंपली स्टार्टिंग पे आना और लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली आपके यहाँ पे ये वाली फ़ोटो पिक सिलेक्ट कर लेना। तो इस पिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसकी लेंथ लास्ट तक ले जानी है। लास्ट तक ले जाने के बाद आपको करने क्या है, सिंपली इसके ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना और इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर लेना और स्टार्टिंग पे आ जाना। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको करने का, सिंपली आपको यहाँ पे एक ये वाला तिरंगा वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने का दिशा आपके यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेना है। और ऐड करने का दिशा आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने का दिशा आपको करने के इसके ऑडियो ऑप्शन पर जाना है। इसका ऑडियो आपको यहाँ पर म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने का दिशा आपके इसके लास्ट के ऑप्शन पर आ जाना, और इसे कैंची के ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम टू ऐड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर लेना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने का दिशा आपको करने के स्टार्टिंग पे आ जाना और लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद ये सबको करने के, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो पीएनजी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप जो भी ऐड करना चाहें तो इस तरीके से अपनी फ़ोटो पीएनजी सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे क्रोपिंग पे जाके इसका जो भी एक्स्ट्रा का भाग रहेगा तो आपको इस तरीके से क्रोप कर लेना है, और इसका मास्क इनेबल करके इसका फेदर फुल करके इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सबको इस तरीके से जूम करके आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद सबको करने के, सिंपली इस थ्रीडॉट पे क्लिक करना और इसको सेंड टू बैक कर देना। और सेंड टू बैक करने के बाद सबको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना और इसको थ्रीडॉट पे क्लिक करके इसको भी आपको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद सबको करने के, इस अपनी फ़ोटो पीएनजी की लेंथ लास्ट तक ले जानी है। लास्ट तक ले जाने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद ही सबको करने के, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी एक ये वाली फ़ोटो पिक सेलेक्ट कर लेना है। इस फोटो पिक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आगे इसको भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद सबको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सबको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद सबकी इसकी लेंथ लास्ट तक ले जानी है। लास्ट तक ले जाने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको करने के लेयर पे क्लिक कर देना और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपके यहाँ पे सिंपली एक ये वाली टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर लेना। इससे टेक्स्ट पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद सबके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सबको करने के, सिंपली आपको यहाँ पे इसकी लेंथ आपको लास्ट तक ले जानी है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आ जाना और लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद सबको करने के, सिंपली आपके यहाँ पे की वाला लाइटिंग इफेक्ट टेम्पलेट वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद सबको इस तरीके से इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद सबके इसके ऑडियो ऑप्शन पर जाना और इसका ऑडियो आपके यहाँ पर म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद सबको नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर चले जाना और इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद सबको यहाँ से बैक हो जाना है और इसकी एडजस्टमेंट पर जाना, और इसका कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देनी है। बढ़ाने का दे सबको इसके लास्ट के ऑप्शन पे आ जाना, और इस लास्ट के ऑप्शन पे आने के बाद ये सबको इस टेम्पलेट वीडियो के ऊपर क्लिक करना और इस कैंची का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ट्रिम टू ऐड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर लेना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आ जाना है और लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद सबके यहाँ पे ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पेन सेलेक्ट कर लेना।
इस वाटर पीएनजी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस आपके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पर ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पर ऐड करने के बाद इस सबकी इसकी लेंथ लास्ट तक ले जानी है। लास्ट तक ले जाने के बाद सबको करने के स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद के सबको करने के इस पर एक आईडियो ऐड कर लेना है। आईडियो ऐड करने के लिए सबको अपने आईडियो को ऑप्शन भी क्लिक करना, और यहाँ से आपको कोई भी एक आईडियो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप ऐड करना चाहें। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे मैं एक आईडियो सिलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आईडियो सिलेक्ट करने के बाद सबको इसके लास्ट के ऑप्शन पर आ जाना, और इस आईडियो के ऊपर क्लिक करके आपको इस कैंची का ऑप्शन भी क्लिक कर देना है, और इसको ट्रिम टू ऐड अपलेट करके इसके एक्स्ट्रा का भाग क्लिक कर लेना है। तो जैसे गाइस देख सकते हो वीडियो बन के कम्प्लीट ही तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से बना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये वीडियो काफ़ी कमाल का बन गया है। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए सबको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शेयर के ऑप्शन भी क्लिक कर देना, और यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके इसको एक्सपोर्ट भी क्लिक कर देना है।